उदाहरण 12। 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के 1/3 थी। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, सुनील विनय व उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल। माना कि विनय की वर्तमान आयु 1 वर्ष, सुनील की वर्तमान आयु 2 क्योंकि सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है, इसीलिए एक्स ऋण 2 वर्ष, और उनके पिता की वर्तमान आयु 10 वर्ष। 10 साल पहले विनय की आयु बराबर एक्स ऋण 10 वर्ष होंगी, उसी तरह से सुनील की आयु हम निकालेंगे सुनील की आयु बराबर एक्स ऋण 2, इसकी सुनील की वर्तमान आयु एक्स ऋण 2 है और 10 वर्ष पहले इसकी आयु ऋण 10 हम करेंगे वर्ष, इसी तरह से पिता की आयु बराबर पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो y में 10 साल पहले y ऋण 10 वर्ष होंगी। इसीलिए प्रश्न अनुसार हमें दिया गया है कि 10 वर्ष पहले विनय और सुनील की आयु का योग जो है उनके पिता की 1/3 है, तो 10 वर्ष पहले विनय की आयु है x ऋण 10 और सुनील की आयु 10 वर्ष पहले x ऋण 2 ऋण 10 बराबर इनकी दोनों की आयु विनय और सुनील के कि 10 साल पहले की आयु जो है उनके पिता से 1/3 थी, तो 10 साल पहले पिता की आयु है y ऋण 10 या कोष्ठक को जब हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा x ऋण 10 धन x ऋण 2 ऋण 10 बराबर 1/3 y ऋण 10 या x धन x हुआ 2x ऋण 10 ऋण 2 और ऋण 10 को हम जोड़ लेंगे, ऋणात्मक संख्या है तो तीनों संख्या का योग हो जाएगा, तो ऋण 22 बराबर 1/3 y ऋण 10 या 3 को हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 3
लिखने के बाद कोष्टक में 2x ऋण 22 बराबर y ऋण 10, या कोष्टक खोलने पर हमें प्राप्त होगा 6x ऋण 3 को 22 से गुणा करने पर 66 बराबर y ऋण 10, या y का पक्षांतर करेंगे इधर तो 6x ऋण y बराबर ऋण 66 का पक्षांतर दाएं पक्ष की ओर करेंगे बाएं से, तो धन 66 में से 10 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 56। ये जो समीकरण बना हमारा 6x ऋण y बराबर 56, ये हमारा समीकरण एक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। प्रथम पृष्ठ में हमने देखा 6x ऋण y बराबर 56, जो हमारा समीकरण एक था। अब सुनील व विनय की वर्तमान आयु 14 साल कम है। इसीलिए सुनील की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसी तरह से विनय की वर्तमान आयु x ऋण 2 वर्ष है, बराबर उनके पिता की आयु को हमने y वर्ष लिया था, और क्योंकि सुनील और विनय की वर्तमान आयु का योग जो है उनके पिता से 14 साल कम है, तो यहाँ हम y में 14 को घटाएंगे, या x और x का जब योग करेंगे तो 2x ऋण 2 बराबर y ऋण 14, या y का पक्षांतर करेंगे हम दाएं से बाएं की ओर तो 2x y धन y जो है पक्षांतर में ऋण y बराबर ऋण 14, और ऋण 2 का पक्षांतर दाएं ओर करेंगे तो धन 2, या 2x ऋण y बराबर ऋण 12, यह हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 जो है हमारा 6x ऋण y है, तो हमने लिखा 6x ऋण y, अब इसको घटा रहे हैं तो ऋण, और दूसरे समीकरण का जो बायां पक्ष है वह है कोष्टक में हम लिखेंगे 2x ऋण y, इसे हम पहले समीकरण से घटा रहे हैं, बराबर पहले समीकरण का दायां पक्ष जो है वो 56, और इसको घटाना है, और दूसरे समीकरण का जो दायां पक्ष है ऋण 12, या 6x ऋण y ऋण 2x कोष्ठक खोलेंगे तो ऋण को ऋण से गुणा करेंगे तो धन y बराबर 56, ऋण गुणित ऋण धन 12, या ऋण y और धन y कट जाएगा, 6x में से 2
एक्स को घटाएंगे तो हमें 4x प्राप्त होगा बराबर 56 में 12 का योग है होगा 68, या x बराबर 68/4 या x बराबर 68 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमें 17 प्राप्त होगा। इसके आगे अगले पृष्ठ में देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। हमें x बराबर 17 प्राप्त हुआ था, अब x का मान, x बराबर 17 का मान, x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक जो हमारा था वो है 6x ऋण y बराबर 56। इसमें हम x का मान रखेंगे तो x का मान जब हम रखेंगे तो 6 गुणा x का मान हमारे पास 17 है तो गुणा 17 ऋण y बराबर 56, या 17 छक्के 102 ऋण y बराबर 56, या y बराबर 102 ऋण 56, या y बराबर 102 में से 56 को घटाने पर हमें 46 मिलेगा। तो यहाँ पे हम सूचितकर्ता चिन्ह लगा लेते हैं, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ y बराबर 46 और x बराबर, x का मान 17 प्राप्त हुआ हमें, y बराबर हमें 46 प्राप्त हुआ। इसीलिए विनय की वर्तमान आयु x है, तो x का मान हमें 17 प्राप्त हुआ, तो विनय की वर्तमान आयु x बराबर 17 वर्ष, और सुनील की वर्तमान आयु, सुनील की वर्तमान आयु जो कि हमारे पास थी x ऋण 2, तो x 17 है तो 17 में 2 को घटाएंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, तो सुनील की वर्तमान आयु 15 वर्ष। इसी तरह से पिता की वर्तमान आयु हम निकालेंगे, पिता की वर्तमान आयु जो है हमारे पास y वर्ष है, तो y जो है हमने 46 निकाला, तो पिता की वर्तमान आयु y बराबर 46 वर्ष। तो इस तरह से हमने विनय की वर्तमान आयु 17 वर्ष, सुनील की वर्तमान आयु 15 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु y बराबर 46 वर्ष ज्ञात किया, यह इस प्रश्न का हल होगा।